नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार की न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-2030 प्रस्तुत की थी। इसको रिलीज करते समय आदित्यनाथ ने बढ़ती हुई जनसंख्या को प्रगति के पथ पर बाधा या हर्डल कहा था। पॉलिसी के अंतर्गत महिलाओं में ग्रॉस फर्टिलिटी रेट को 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। आदित्यनाथ 40 पेज डॉक्यूमेंट हैज अ 5-fold ऑब्जेक्टिव। 1, पॉपुलेशन कंट्रोल। 2, एंडिंग क्यूरेबल मेटर्नल मोर्टैलिटी एंड इलनेसेस। 3, एंडिंग क्यूरेबल इन्फेंट मोर्टैलिटी एंड एंश्योरिंग बेटरमेंट इन देयर न्यूट्रिशन स्टेटस। 4, बेटरमेंट ऑफ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज एंड इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटीज फॉर द यूथ। एंड देन 5th एंड फाइनली बेटर केयर फॉर द एल्डर्स। व्यक्तिगत रूप से इनमें से किसी भी लक्ष्य को अननेसेसरी नहीं कहा जा सकता है। इन सभी उद्देश्यों की सरकारों द्वारा हर राज्य में नियमित रूप से नेग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन आदित्यनाथ द्वारा रिलीज किए गए इस डॉक्यूमेंट को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। इस डॉक्यूमेंट को अभी ड्राफ्ट जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, जिसे स्टेट लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट और प्रस्तुत किया है, उसके कंजंक्शन में देखना होगा। इस बिल का नाम रखा गया है द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबिलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल ऑफ 2021। इसको कमेंट्स के लिए सर्कुलेट किया गया था सिर्फ एक सप्ताह के लिए। टाइम खत्म हो चुका है। इस बिल में 2-child नॉर्म की वकालत की गई है और इसका उल्लंघन करने वालों को पीनलाइज किया जाएगा। एट द सेम टाइम दोज हु एडहियर टू हैविंग 2 or less चिल्ड्रन आर टू बी गिवन इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स इस तरह से दिए जाएंगे पब्लिक सर्वेंट्स के लिए पूरी सेवा के दौरान 2 additional इंक्रीमेंट्स, प्लॉट या मकान खरीदने के लिए सब्सिडी, कंस्ट्रक्शन के लिए सॉफ्ट लोन, बिजली पानी हाउस रेंट आदि में रिबेट। एनहांस किया जाएगा प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को। अब आते हैं डिसइंसेंटिव्स के ऊपर, यानी कि उनके लिए जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उनको डिबार किया जाएगा फ्रॉम बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम्स। लिमिट ऑफ राशन कार्ड यूनिट्स अप टू 4। बार ऑन कॉन्टेस्टिंग लोकल बॉडी इलेक्शंस। बार ऑन अप्लाइंग फॉर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। बार ऑन प्रमोशन इन गवर्नमेंट सर्विस। बार ऑन रिसीविंग एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी। मैंने इस बिल के बारे में ट्वीट किया था, उसका विरोध किया था। मैंने लिखा था नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैनॉट बी द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। लॉ मियरली एम्स टू स्टिग्मेटाइज अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आदित्यनाथ की सरकार कोई पहली सरकार नहीं है जो ऐसा कानून लाना चाहती है। जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उनको पिनलाइज करने के लिए और स्टेट्स में भी कानून हैं।
अभी कुछ दिन ही पहले असम के नए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने भी ऐसा प्रस्ताव लाया है। ये सुपरफिशियली डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी और कानून का इनिशिएटिव दरअसल डॉग विसल पॉलिटिक्स का प्रतीक है। माने ये उन्हीं के लिए बजाया जाता है जिन्हें वो बात सुनाई देती है। मैंने अपने ट्वीट में स्टिग्मटाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आइडेंटिफाई नहीं किया था, लेकिन योगी जी ने जो बिगुल बजाया है वो उनको ठीक सुनाई दिया जिनके लिए उन्होंने बजाया था। आखिरकार अगले साल जनवरी से चुनाव का माहौल जो स्टेट में शुरू हो जाएगा। मेरे ट्वीट के रिस्पॉन्स में जो जवाब आए उनसे क्लियर था, आदित्यनाथ ने सही कदम उठाया था। रिस्पॉन्डर्स का अपना ओपिनियन था, क्योंकि जनसंख्या जो है इसका जो नियंत्रण करने का कानून है ये मुसलमानों को टारगेट करके लाया जा रहा है। बहुत लंबे समय से संघ परिवार ने फॉल्स प्रोपेगेंडा करती आई है। मुस्लिम जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, उनका कहना है कि इवेंचुअली हिंदू अपने ही मुल्क में माइनॉरिटी हो जाएंगे। उन्होंने तो मान ही लिया हिंदुस्तान में हिंदुओं के अलावा बाकी सब फॉरेनर्स हैं। 17 वर्ष पूर्व 2004 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो एक बड़ी संस्था है, मतलब इंस्टीट्यूशन है, अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल, काइंड ऑफ अ नेशनल वर्किंग कमिटी, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था। शीर्षक था डेमोग्राफिक थ्रेट्स। 2001 सेंसस रिपोर्ट के रेस्पॉन्स में यह रेजोल्यूशन था। इट सेड द डेटा ऑन रिलीजन हैज ब्रॉट इन लाइमलाइट मेनी अलार्मिंग फैक्ट्स। इट शुड बी व्यूड विथ ग्रेव कंसर्न बाय नेशनलिस्ट फोर्सेस। मतलब जिन्हें चिंता ना हो या जो डेटा को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना चाहते हैं वो एंटी नेशनलिस्ट्स हैं, या ग्रुप्स चाहे इंडिविजुअल्स। डेमोग्राफिक इंबैलेंस, ये मार्जिनली हायर ग्रोथ रेट अमंग मुस्लिम्स के पीछे 3 कारण आरएसएस के रेजोल्यूशन में लिस्ट किए गए थे। फर्स्ट, लैक ऑफ यूनिफॉर्म पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर ऑल रिलीजियस ग्रुप्स। सेकेंड, रिलीजियस कन्वर्जन्स। And the third and the final one, infiltration from Pakistan and Bangladesh. UP और कई और states ने religious conversions को नियंत्रित करने के लिए कानून ला चुके हैं। So-called cross-border migration और rather so-called cross-border infiltration, घुसपैठियां। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का रिजल्ट ना समझकर एक इस्लामिस्ट कॉन्स्पिरेसी के तौर पर पेंट किया गया है। उसी के चलते CAA पास हो चुका है। और अब की बारी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बारी। अभी ये सेंट्रल एजेंडा में नहीं है, परंतु माइंड इट, ये सूनर और लेटर अल्टीमेटली बीजेपी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क में या लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में भी आ जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स दैट द टू चाइल्ड नॉर्म विल इवेंचुअली बिकम पार्ट ऑफ द सेंट्रल एजेंडा, लेट मी ड्रॉ योर अटेंशन टू अ स्टेटमेंट मेड इन अक्टूबर 2004 बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हु वाज देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। The Times of India reported that he said that the problem of exploding population was the biggest national crisis and it was time for revolutionary steps. Modi made the statement at the first meeting
of the Gujarat Population Commission he formed just a month ago before this meeting. He directed the commission to ensure that Gujarat became the first state in the country to bar elected representatives from having two children, or those who had more than two children not to be able to contest elections. In 2005, the state government made changes to the Gujarat Local Authorities Act. Alterations were also made in other laws like Gujarat Provincial Municipal Corporation Act and Gujarat Panchayats Act. In kanoon ne do se adhik bacche wale kisi bhi vyakti ko nagar parshad ya panchayat sadasya hone se disqualify kiya. Assam mein to aisa similar kanoon hai hi. Saath hi Rajasthan, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Uttarakhand, Karnataka aur Odisha mein bhi aisa kanoon hai. Kitne bacche hain uske aadhar par isi tarah se discriminate kiya jata hai. Maharashtra aur Madhya Pradesh ke logon ko sarkari naukri hasil nahi ho sakti agar unke paas do se zyada bacche hon. Modi ke jis bayan se is biased kanoon ka proliferation hua, 2004 ke bayan ki baat kar raha hun. Aisa hi kuch similar unhone 2019 mein apne इंडिपेंडेंस डे भाषण में दिया था. एक जमाने में मोदी जी हिंदुस्तान के डेमोग्राफिक डिविडेंड को चैंपियन करने थे. उन्होंने 2019 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उन्होंने कहा कि ये बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट, इसी तरह से पॉपुलेशन प्रॉब्लम को उन्होंने डिस्क्राइब किया था. जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े दो मुद्दों को समझना बहुत जरूरी है. मुस्लिम स्टिग्मेटाइजेशन और विलिफिकेशन को वन साइडेड डेटा से जस्टिफिकेशन मिलता है. आजादी के बाद 1951 के सेंसस फिगर्स के अनुसार मुस्लिम पॉपुलेशन 9.8% थी और इंक्रीज करके 2011 में 14.2% हो गई. इसी पीरियड के बीच हिंदू पॉपुलेशन 84% से कम होकर 79.8% हुई. दीज फिगर्स वर साइटेड बाय द आरएसएस टू ड्रॉ द पिक्चर दैट मुस्लिम्स विल इवेंचुअली बिकम द मेजॉरिटी इन दिस कंट्री. लेकिन क्या यही ग्रोथ और डिक्लाइन पैटर्न ऐसे ही रहेंगे हमेशा के लिए? ये जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे ये दरअसल नहीं बताते हैं कि मुस्लिम्स में पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड को हिंदुओं से ज्यादा एक्सेप्टेंस की जा रही है. एक मिथ और फैलाया गया है, मुसलमानों में एक से ज्यादा शादियां होती हैं, जबकि स्टडीज बताती हैं, ये क्लियरली एस्टैब्लिश करती हैं कि भारत में हर समुदाय में पॉलीगैमी है. आयरोनिकली मुस्लिम्स में सबसे कम प्रेवलेंस डेटा ने रिकॉर्ड किया. जनसंख्या नियंत्रण कानून के पीछे एक और बात है. क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ राज्यों में ऐसा कानून है और कुछ में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कोई कानून नहीं? नेशनल लेवल पे भी ऐसा कोई कानून नहीं है, फिलहाल एटलीस्ट. सब इमरजेंसी के बारे में जानते हैं, कैसे इंदिरा गांधी ने इस पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए थे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए. द इमरजेंसी इयर्स आर ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर द ओवर जीलस ऑलमोस्ट draconian pursuit of population control policy. It, however, was not ideologically driven like it is now, but this was pursued by Indira Gandhi because of incorrect perception of removing poverty and boosting national economy. Population was before 1975
when emergency was imposed, in the central list in the constitution, meaning only the union government had powers to legislate on the matter, that is population issues. Indira Gandhi felt that the issue of population had become a very serious crisis, and that is why under the 42nd constitutional amendment, she brought in population in the concurrent list by making an entry number 20A. Jin rajyon ne jansankhya niyantran par kanun laya hai pehle, ya jaise UP ab lane ki koshish ya fir plan bana rahi hai, unhone entry number 20A ka upyog kiya hai. Waqt aa gaya hai non BJP parties ko behas shuru karni chahiye. इस एंट्री को कैसे और कब नलीफाई किया जा सकता है ताकि ये सेंट्रल लिस्ट में रहे, पॉपुलेशन कॉन्करेंट लिस्ट में ना रहे, एक ओवरऑल प्रोग्रेसिव नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए. अलग अलग स्टेट्स के लॉ कोर्ट्स में चैलेंज हुए हैं. टू चाइल्ड नॉर्म की पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 2003 में एक केस आया था, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, उसमें टू चाइल्ड नॉर्म का टेस्ट हुआ था. द केस एग्जामिन्ड द वैलिडिटी ऑफ द हरियाणा पंचायती राज एक्ट. इसके अंतर्गत दो से अधिक जीवित बच्चों वाला कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत का सरपंच या पंच या पंचायत समिति या जिला परिषद का सदस्य नहीं हो सकता था. Petitioners argued that the law violated the right to equality under Article 14 of the Constitution. The law, according to the petitioners, also violated personal liberty under Article 21, as it prevented citizens from choosing their own decision, the number of children they want to have. Apex Court ne appeal ko kharij kar diya. Unhone apna tark diya. Lofty ideals of social and economic justice, the advancement of nation as a whole, cannot be given a go by in the name of undue stress on fundamental rights and individual liberty. Hindustan जिस मोड़ पर फिलहाल है, जब नफरत और भय व्यापक है, तो कोर्ट्स को इस सवाल को रीएग्जामिन करना चाहिए. कैन स्प्रेड ऑफ प्रेजुडिस एंड रिवल्शन फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी बी परमिटेड इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट. जरा सोचिए इस बात पर. नमस्कार.